उद्योग एवं देवस्थान मंत्री शकुंतला रावत ने अलवर में रीको कार्यालय का अलवर जिले में लगने वाले उद्योगों को लेकर आवश्यक बैठक ली, जिसमें गत दिनों हुए एमओयू और एलओआई को लेकर समीक्षा की। उन्होंने बताया कि कोरोना काल में उद्योग धंधे काफी प्रभावित हुए थे और उसके बाद समिट राजस्थान का आयोजन किया गया, जिसमें अन्य देशों प्रदेशों के उद्योगपतियों के साथ एमओयू और एलओआई हुए थे। उसके बाद प्रत्येक जिले में उद्योग धंधे स्थापित करने के लिए रोड शो किए गए, जिसमें उन्होंने पीसी के माध्यम से जिला कलेक्टर एवं संभागीय आयुक्त एवं उद्योग अधिकारी से प्रत्येक माह चर्चा की जाती है और वह वन स्टॉप सेंटर पर मीटिंग होती है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की प्रत्येक योजनाओं को लागू करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं और उनकी योजनाओं को धरातल पर लाने का कार्य निश्चित रूप से किया जा रहा है। जहां जहां भी जिस जिले में वो जाती है, कलेक्ट्रेट में जिला उद्योग अधिकारियों की बैठक लेती है, जिसमें अधिकारियों और उद्योगपतियों को भी बुलाया जाता है, उनकी समस्याएं सुनकर समाधान किया जाता है। राजस्थान में हुए एमओयू के अनुसार 65% उद्योग स्थापित हो चुके हैं, 125 उद्योग अभी पाइपलाइन में हैं और कुछ पर काम चल रहा है। भिवाड़ी के उद्योगों में प्रदूषण के सवाल पर उन्होंने कहा कि प्रदूषण विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। अलवर की फैक्ट्री सीटीपी प्लांट लगाए और उद्योगों से संबंधित सभी एसोसिएशन से फैक्ट्रियों के जनरल मैनेजर से बात की जा रही है कि वह क्यों सीटीपी प्लांट नहीं लगाते। उन्हें प्रदूषण मुक्त रखना है तो उन्हें सीटीपी प्लांट लगाना चाहिए। ज्ञातव्य है कि आज भी भिवाड़ी के गैलपुर में जल प्रदूषण को लेकर कलेक्ट्रेट को ज्ञापन दिया गया था। अलवर के उद्योगों में अलवर सहित स्थानीय को रोजगार नहीं देने के सवाल पर उन्होंने कहा कि हम रोजगार देने वाले बने, रोजगार लेने वाले नहीं, इसलिए सरकार युवाओं को रोजगार लिए प्रोत्साहित योजनाएं चला रही है और हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे कंपनी में ना जाएं बल्कि कंपनी स्थापित करें, इससे औरों को भी रोजगार दिया जाए। हमारे जो अभी पिछले वर्षों में कोरोना के बाद में समिट राजस्थान हुआ अक्टूबर में, तो आपने देखा कि अन्य देशों से, अन्य प्रदेशों से और हमारे प्रदेश से भी बहुत सारे एमओयू और एलओआई साइन हुए। ऐसा पहली बार हुआ कि प्रत्येक जिले में रोड शो हुए और उन रोड शो में जो एमओयू एलओआई साइन हुए, तो मैं वीसी के जरिए पूरे राजस्थान में सभी कलेक्टर से बात की, मैंने सभी संभागीय आयुक्त से बात की और बात करके, और हमारी एसीएस वीनू गुप्ता जी, कमिश्नर, एमडी, हम सब प्रत्येक महीने के पहले बृहस्पतिवार को सब लोग बैठते हैं हम वन स्टॉप शॉप में, और जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय की जो योजनाएं हैं, एक एक योजना को हम लागू करने के लिए बाध्य रहते हैं और हमारे अधिकारी भी सारे के सारे प्रतिबद्ध रहते हैं। और जैसे आपने देखा कि अभी हमने कल जो एक कार्यशाला की एससी और एसटी के लिए, तो उसमें कितने सारे फार्म भरे गए, 100 के लगभग फार्म भरे गए, जिसमें से 50 के तो पूरे डॉक्यूमेंट सही सही सारे जमा करा दिए, बाकी ने अप्लाई किया है। तो ये सारी योजनाओं को धरातल पे उतारने का काम हमारे अधिकारी और मैं भी उसमें सक्रिय रूप से हर दिन जहां जिस जिले में जाती हूं तो अपने ऑफिस की कलेक्ट्रेट में मीटिंग लेती हूं, सभी विभागों में जो जो हमारे एमओयूज एलओआई पेंडिंग है उनके लिए डिस्कस करके उसका समाधान करते हैं तुरंत वहीं पर। जैसे अभी आज की जो मीटिंग थी हमारी, वो भी इसीलिए रखी कि अलवर में जो हमारे एमओयू हुए, एलओआई हुए, तो हमारे 65 से ऊपर 70% के लगभग हमारे एमओयूज जो साइन हुए थे वो स्थापित हो चुके हैं और कुछ है जो हमारे 125 के लगभग हमारे पाइपलाइन में है, जिनका कि काम चालू है और काम थोड़ा बड़े स्तर पे है तो उनको पूरा होने में समय लगेगा। कुछ ऐसे हैं जो कि खुद ही आगे आकर के अप्लाई नहीं करते हैं, बाकी एक दो हैं जो ग्लोबल पेपर है और लॉर्ड्स का है, कुछ है ऐसे हैं जिनकी वो खुद ही आगे आएंगे, जैसे प्रथम प्रगति का है, जेएमबे का है, एसबीएफ है, ये 5-7 हैं। अगर ये आगे अपने कागज और डॉक्यूमेंट्स देंगे
तो हमारे डिपार्टमेंट में हमने राजस्व विभाग हो चाहे बिजली विभाग हो चाहे यूआईटी हो, सभी को निर्देशित कर दिया कि हमारे कोई भी काम में लेट नहीं हो, कोई भी उद्यमी ऑफिसों के चक्कर नहीं लगाए, उनका काम तुरंत प्रभाव से होना चाहिए। एक सवाल है कि लोगों स्थानीय लोग हैं उनको रोजगार नहीं मिल रहा, कंपनियां रोकती हैं, जैसे हमारे यहाँ बैट्स। हम जो उद्यमी, तो हम इसीलिए तो ये कह रहे हैं ना कि हम खुद ही स्वयं ही रोजगार देने वाले बने, रोजगार लेने वाले नहीं, हम रोजगार देने वाले बने। कल आपने देखा कि 10-15 ने जो लोन लिया और उनका वहीं पर फार्म भरा गया, भीमराव अंबेडकर जो हमारी योजना है उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी की, भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित और आदिवासी उद्योग प्रोत्साहन योजना, तो इसके लिए हमने ये उद्यम प्रोत्साहन योजना इसीलिए लाए हम कि हमारे बच्चे किसी के कंपनी में नहीं जाए, हमारे बच्चे खुद कंपनियां स्थापित करें। आपने देखा कि कल छोटे छोटे जो उद्योग धंधे लगाने के लिए किसी को 1 लाख का लोन दिया, किसी को 2 लाख के दिए, 3 लाख के और 10 लाख के, 11 लाख का उस महिला ने लिया जो कि रेडीमेड की दुकान करना चाहती है, जूती बनाने वाले ने लिया। तो ये खुद वो कह रही है कि मेरे अंदर में 11 महिलाओं को मैंने रोजगार दे रखा है और 10-11 बच्चों को दे रखा है जो लाने ले जाने का काम करते हैं। तो एक अगर कंपनी कोई छोटा सा भी उद्योग धंधा स्थापित करता है तो 15 से 20 लोगों को वो रोजगार देने का काम करता है। तो हमारी मंशा भी यही है कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र में हो चाहे सिटी में हो, महिला हो पुरुष हो, खुद उद्यमी बने, हम रोजगार देने वाले बने। और रोजगार देने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक एक योजना लाकर के जो ये काम एक नया अचीवमेंट स्थापित किया है, ऐसा पूरे भारत देश में